नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि में फरी एक बार आपनु स्वागत है। अतिथि एटले एवो कार्यक्रम के जे कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तित्व साथ आपनी मुलाकात करावे छे। अलग अलग क्षेत्र विविध प्रतिभाओं ने अपनी समक्ष लाइए छे, बातों करीए छे। मैं अंतरंग आज अपनी साथ एक एवं व्यक्तित्व कि जे व्यक्तित्व पोते एक जीवन सार है, ये जीवन नहीं, ये जीवन सार है। कदाच एम मुखे थी निकलेली एक वाक्य, एक शब्द, ये कदाच अनेक गूढ़ार्थवाड़ा हो। कही शकाय के अत्यारनी सृष्टि में जीवता दरेके दरेक प्राणीओ पोते एक अलग अलग इंट्यूशन धरावता होय छे, दरेक व्यक्ति पासे होय छे। परंतु अमुक लोको एवा होय छे के जेनी पासे सुपर इंट्यूशन होय छे, अने कदाच आ वातथी ज अनेको लोको प्रभावित थता होय छे। आवाज गेस्ट आजना अतिथिमां श्री एम। श्री एम, आपका स्वागत है। नमस्कार श्री एम। सबसे पहले तो ये मैं फ्रेंकली बताऊं, जैसे आपने शुरू में पूछा कि आपको जो पूछना है पूछ लो, ये नाम जो रखा जाता है हाँ, तो ये हटके होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से आदमी जब पैदा होता है ना तो उसके हाथ में नहीं होता कि मेरा क्या नाम है। लेकिन जब आदमी एक लेवल पे पहुंचता है तब उसे अंदर से इच्छा होती है कि मैं अपना नाम बदल दूँ। हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन खास करके रिलीजियस फील्ड में जो भी लोग हैं वो अपना नाम बदलते हैं, और वो एक यूनिक नाम होता है। आपका नाम भी सी एम, अगर सुने तो किसी को लगा कि क्या होगा, सी एम एम मीन्स वॉट, तो कैसे ये श्री एम क्यों आया? मैं पहले मैं आपको ये सुनाना चाहूँगा कि एम का डेफिनेशन क्या है। जी। मेरे ख्याल से जी। एम म अक्षर जो है वो संस्कृत में अगर मनुष्य कहा जाए तो उसका पहला अक्षर म है, और हिंदी में कहा जाए मानव है तो वो भी एम है। अब जब मैं पैदा हुआ, हम 400 साल पहले के इमिग्रेंट पेरेंट्स से पैदा हुए केरल में, त्रिवेंद्रम में, मगर वो आए बॉर्डर के उस पार से। वो पठान फैमिली के थे, तो उन्होंने जब मैं पैदा हुआ मुझे नाम रखा गया मुमताज़ अली खान, उसका भी एम पहला अक्षर एम है। तो मगर मैं अपने आप को मनुष्य या मानव समझता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब एम डाल दें तो इसमें ना कोई रिलीजन है, ना तो कास्ट है, ना कोई डिज़ाइन है, ना कुछ नहीं है। आप जैसा मैं एक मनुष्य हूँ। मैं कुछ थोड़ा आध्यात्मिक फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, वो हमारे गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ है। तो इसलिए जब लोग मुझे एम कहते हैं तो मैं बड़ा खुश हूँ, मगर एक श्री लगाते हैं वो रेस्पेक्ट से लगाते हैं, मगर हमारा एक ही श्री है। मुमताज़ अली वाला एम नहीं, मनुष्य का एम। ये बात ये खास करके मैं पूछना चाहूँगा। अच्छा, एक मिनट सर, आपको मैं इंटरप्ट करूँगा। जब महेश्वरनाथ बाबा जी ने मुझे नाथ संप्रदाय में दीक्षा दी, उन्होंने मेरा नाम मधुकर नाथ रखा। नाथ में नाथ लगाना पड़ता है, मधुकर नाथ, और मधु करके मुझे बुलाते थे। तो वो भी सबसे इम्पोर्टेंट एम हमारा वो है। तो ये जो बात बताई ना आपने कि आप नाथ संप्रदाय में जब दीक्षा ली, अगर आज के एरा में भी अगर कोई दूसरे धर्म का कोई बंदा एक और धर्म में आता है तो भी बड़ा बवंडर हो जाता है उस वक्त भी, और उसमें तो नाथ संप्रदाय, तो क्या हुआ था, क्या अंदर से बहुत विरोध भी हुआ होगा? ऐसा है कि नाथ हमारी जो हिंदू कल्चर जो है, हिंदू सिस्टम ऑफ थॉट, मैं अपने आप को हिंदू समझता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तो अपने आप हिंदू कोई भी बन जाता है, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। आप अगर ये हिंदू नाम ही अरब लोगों ने इन्वेंट किया, क्योंकि सिंध के पास रहते हैं, सिंध वो एस नहीं बोल सकते, इसलिए हिंदू बन गया। तो आज भी जो हज को यहाँ से जाते हैं लोग, उनके अरेबिया में सऊदी अरबिया में लिस्ट में हिंदू मुस्लिम करके लिखते हैं, क्योंकि ये हिंद से जा रहे हैं तो हिंदू हैं। ये लोग बड़े नाराज़ होते हैं, अरे हम मुसलमान हैं, हमें क्यों ऐसा। हिंद का मतलब वहाँ जो है ये लैंड भारत के अंदर जो पैदा वो हिंदू है, ऐसा है उनका ओपिनियन, ऐसा है, सच है। तो आपने कुछ पूछा, बवंडर जब नाथ संप्रदाय में दीक्षा लिया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी हिंदू कल्चर ऐसी चीज़ है यहाँ कि कोई किसी को नहीं पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो पूछते हैं कि तुम अध्यात्म में तुम्हारा असली इंटरेस्ट है कि नहीं, यही पूछते हैं। मैं तो बौद्ध आश्रम में गया हूँ महेश्वरनाथ बाबा जी को मिलने से पहले, बहुत कुछ ऑर्थोडॉक्स आश्रम में गया हूँ, कोई मुझे ये नहीं बोला
तुम इस धर्म में पैदा हुए हो इसलिए तुम अब नहीं। बात यहीं पे आती है, जैसे आपने बताया कि मुस्लिम फैमिली में आपका आना, जन्म लेना, उस वक्त कल्चर क्या वहीं से ऐसा था कि सर्वधर्म संभव वाला था, या कहीं ऑर्थोडॉक्स या तो बहुत ही टिपिकल रिजिड काइंड ऑफ फैमिली मेंबर्स थे? क्योंकि ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ये देखिए ऐसा है, जनरली ऐसा धर्म जो होता है, रिलीजन होता है, जिसमें एक प्रॉफिट और एक बुक होती है, जैसा कि सेमिटिक रिलीजन्स होते हैं, उसमें थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी ज़्यादा होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदू, ये जो हमारा हिंदू कल्चर है जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, इसमें विविध जगह से अलग अलग स्ट्रीम आकर जम सकती है एक जगह में। वो अगर सागर में चली जाती है तो उसको डिस्टिंग्विश करना ही मुश्किल है। ये हमारा ओरिजिनल कल्चर यहाँ का है, मगर इस्लाम क्रिश्चियनिटी में ऐसा थोड़ा सा फ़र्क होता है। मुझे आपकी फैमिली का इंडिविजुअल चाहिए। मेरी फैमिली, मेरे फादर फिलॉसफी ग्रेजुएट थे, वो ज़माने में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उनका सब सब्जेक्ट हिंदू फिलॉसफी था। ओके, यूनिवर्सिटी में, केरला यूनिवर्सिटी, तो इसलिए उनको थोड़ा कुछ समझ में आने, तो वो मतलब कि ग्रूमिंग ही उसी तरह हुआ कि जहाँ पे रिजिडनेस कम थी नहीं थी, ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं। मगर दूसरे लोग जो फैमिली के बाहर थे उनको तो बड़ा ऑब्जेक्शन था। मैं तो बहुत कठिन सिचुएशन से मुझे निकलना पड़ा, बहुत कठिन सिचुएशन। ये चलते 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 आपको भी इंटरेस्ट हुआ, घर में भी पापा की ओर से जींस में भी थोड़ा आया होगा, लेकिन आप जो एक बात बताते हो कि मैं अभी इसलिए यहाँ पे हूँ और मुस्लिम धर्म मुझे जो मिला बाय बर्थ, उसके पीछे एक रीज़न है, वो क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन जो लोग शायद श्री एम को इतना नहीं जानते उनके लिए नई बात होगी। ये अब इसमें अब पुनर्जन्म की बात निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा इसमें। मैं एक जन्म में, अभी नहीं, दो जन्म पहले का जन्म में, श्री गुरु बाबा जी जो अभी भी हिमालय में हैं, जिनको योगानंद परमहंस ने महावतार बाबा जी के नाम से बोला, मैं उनका शिष्य था। पुनर्जन्म की बात है, इसको स्टोरी समझ सकते हैं या रियलिटी कुछ भी हो, मैं जो मेरे मन में है उसको कह रहा हूँ। तो हम वहाँ रहते थे पांडुकेश्वर के पास, एक बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, तीन जनरेशन से बाबा जी के शिष्य थे वो लोग, और जनू पहने हुई फैमिली थी। तो मैं बचपन में ही सोच लिया कि मैं योगी बनूँगा बाबा जी के जैसे। तो बाबा जी का शिष्य बना और बहुत सारा ध्यान किया, कुंडलिनी योगा वगैरह जो बाबा जी ने क्रिया योग सिखाई सब। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कहीं दूर जाके बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर के पास एक जगह में बैठकर मैं ध्यान कर रहा था। अच्छी तरह ध्यान में समाधि का स्टेट होता है कभी, तो उस स्टेट में एक मुस्लिम फकीर आए, तो उनके गुरु नहीं कहते हैं वो लोग, उनका क्या है, मुर्शीद कहते हैं, उनके मुर्शीद कहे, उन्होंने कहा कि वो मैं अभी जा रहा हूँ शरीर छोड़ के, जब तक जितना तक तुम्हें बोल सकता हूँ मैं इतना सिखा दिया हूँ, अब तुम हिमालय में जाओ और ढूंढो, वहाँ एक यंग योगी बैठे हुए हैं, उनका नाम बताऊँ कि नहीं बताऊँ, मधुकरनाथ है, तो वहाँ जाइए और बाकी जो तुम्हारा आगे बढ़ने का जो तरीका है वो उनसे सीखना चाहिए। तो ये ढूंढ ढूंढ के हमारे पास पहुँचे और मैं बड़ी ध्यान में, गहरे ध्यान में समाधि, वो आके मेरे हाथ पे ऐसा पकड़ के बोला, आँख खोला तो मुझे इतना क्रोध हुआ कि मैंने सोचा पहले क्या वो मौलवी जैसे लंबी दाढ़ी गिरी रख के आए हैं पगड़ी बांध के, और दूसरा वो नहाए नहीं है बहुत दिन से ट्रैवल करके आए, और मैं अभी गंगा में स्नान करके अलकनंदा में बैठा हूँ, तो ये मुझे, मैं बोला क्या चाहिए वो मुझे, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम है, आपको मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो, मैं कहाँ इंस्ट्रक्शन दूंगा तुम अभी। तो उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैंने बोला वो आपकी मर्ज़ी, आत्महत्या करना है तो करो। ये हमारे अंदर इतना क्रोध और ये जो ईगो हो गया था, वो एक्चुअली आत्महत्या कर लिया।
बेचारा, मुझे उससे भी इफेक्ट नहीं हुआ। बाबा जी आए, बोले कि इतने साल से ट्रेनिंग किया तुम्हें, क्या ऐसे ईगो और क्रोध के लिए किया, क्या हो गया तुम्हारा, कैसे योगी बनता है? उन्होंने बोला पतंजलि योग सूत्र मेरे साथ तुम पढ़े ना, पहली बात क्या कहा है उसमें यम नियम में, अहिंसा। अहिंसा में क्या करना है, क्रोध को तो कंट्रोल करना है, और तुम्हारा ईगो इतना बढ़ गया। तो मैंने तब मुझे मालूम हुआ कि भैया क्या हालत हो गई है, क्या काम किया मैंने। ये कितने जन्म पहले की बात है? अब ये कहाँ बताएं, लोग कौन विश्वास करेगा, 3 जन्म पहले की बात। तो मैंने बाबा जी को कहा अब मुझे आगे बढ़ना है, तो ये जो मैंने किया इसको क्या करें, इसको कैसे बचें इसमें से, तो आप जो आज्ञा करेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले ठीक है, खेचरी मुद्रा करो, शरीर छोड़ो। वो हमारे पास वो नाथ पंथ में एक ऐसा प्रैक्टिस है, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं, जिससे सारा एक्टिविटी बंद हो जाता है बॉडी में। अगर एक्टिविटी बंद हो गया तो 1 घंटे से ज़्यादा सोल उसमें, आत्मा नहीं रह सकता है, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। तो बोला करो और ख़त्म करो। तो मैं बोला फिर क्या होगा आगे? बोला तुम अभी 2-3 जन्म ऐसे घूमते रहोगे और कहीं एक जगह में आओगे, पैदा होगे, मैं वहाँ से तुम्हें रिट्रीव कर लेता हूँ, वापस पकड़ के ले आऊँगा, मैं किसी को भेजूँगा, मगर तुम एक मुसलमान फैमिली में पैदा होना चाहिए, क्योंकि तुमको पता चलेगा कि उसकी उसका दर्द क्या था, उसका पेन क्या था, वो तुमको तब पता चलेगा। मैंने कहा इतनी बड़ी कठिन कर्म करना पड़ेगा क्या? बोले करना पड़ेगा, इसमें कठिन है नहीं है ये नहीं है सवाल, करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, चलो। अच्छा, तो ये पूरी घटना है जो उसके बाद 8 साल की उम्र में महेश्वरनाथ बाबा जी को उन्होंने भेजा कि लड़का कहीं घूम रहा है, पकड़ के ले आओ। और फिर जाके ये फिर जाके वो 8 साल की उम्र में उनको मैं खाली 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं मिला हूँगा। महेश्वरनाथ बाबा जी जो बाबा जी के शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे, त्रिवेंद्रम में घर के पीछे जब मैं खेल रहा था, मैंने देखा कि कटाल के पेड़ के नीचे कोई खड़े हुए हैं। मैंने कहा कौन है, जटाधारी हैं, हम वहाँ कोई जटाधारी को देखे नहीं हैं, हम कुछ मालूम नहीं था। तो वो ऐसे पास में बुलाए, मैं गया तो मैं देखा, पहले तो बाद में मुझे समझ में आया वो 6'2" आदमी है, बचपन में और भी लंबे दिखते हैं। तो मैं पास में गया तो उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ याद आया, यहाँ पकड़ा और पूछा कुछ याद आया? मैंने बोला कुछ याद नहीं, क्या याद है, कुछ मुझे समझ में ही नहीं आया क्या कह रहे हैं। ठीक है, सर पे हाथ रखा और बोला समय होने पर सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो बोले वापस घर जाओ। तो मैं कॉम्पाउंड से वापस घर गया, किचन के पास जाके फिर के देखा, कोई नहीं है। तब से वो 8 ईयर्स की उम्र से मेरा माइंड कम्प्लीटली बदल गया, धीरे धीरे, सडनली नहीं हुआ। रात को अपने आप ध्यान करता था, बहुत सारी चीज़ें मैं देखा हूँ, लिस्ट तो लंबी है। ऐसे होते होते कहाँ कहाँ लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी का फिलॉसफी सेक्शन पूरा मैंने ख़त्म किया, कॉलेज स्कूल हार्डली जाता था, क्लास कट किया, पब्लिक लाइब्रेरी में बैठा। ऐसा होते होते 19 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं कोई पिंजरे में बंद हूँ, यहाँ से निकलना पड़ेगा। पिंजरा तो गोल्ड का था, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े रिच मैन थे, वो समझते थे कि मैं अकेला बेटा हूँ, तो समझते थे कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस ये करेगा, हमारे से तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। तो मुझे लगा कि मैं कुछ केज में हूँ, कुछ पिंजरे में हूँ, पिंजरे की पंछी है, तो उसको तोड़ के कैसे निकलेंगे, ये है मेरे मन में। 19 साल की उम्र में मुझे लगा कि अभी यहाँ नहीं रह सकता, किसी को नहीं बताया, गलत है, बताना चाहिए था, क्योंकि मेरी माँ बहुत सफ़र की। मैं निकल गया, अब ना गूगल है ना मैप है कुछ है, रेलवे गाइड देख देख के ऋषिकेश पहुँचा, वहाँ से चल के इधर उधर आश्रम में घूमा, बहुत तकलीफ़ पाया। घर पे कैसा है कि खाने को बुलाते हैं, बोलते हैं मैं नहीं आऊँगा, यहाँ देखो भूख की पहली टेस्ट मुझे मिली। तो बहुत तकलीफ़ पाया कि मैं चल के पहुँचा बद्रीनाथ। बहुत लंबी स्टोरी है, अब मेरी आत्मकथा में है, मगर इतना कहना चाहता हूँ, वहाँ व्यास गुफा में फिर मिला महेश्वरनाथ बाबा जी को,
और पहले जो उन्होंने मुझे जिसको आप श्री गुरु बाबा जी बोलते हैं, नहीं श्री गुरु उनके गुरु जी, वो ये महेश्वर नाथ बाबा जी, तो वो पहली बार मुझे देखे गुफा के अंदर, तो पहले ये कहा कि घूम फिर के फिर हमारे पास पहुंच गए। मैंने कहा हाँ बाबा जी, मैं अभी आपके पैर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वो हंसे, हंस के बोले हाँ देखा जाएगा। उनके साथ 3.5 साल में था हिमालय। अभी यहाँ मुझे एक सवाल होता है, जैसे आपने बताया कि कोई माने या नहीं माने, लेकिन ये 3 जन्म पहले की ये बात है, तो श्री एम की अभी की जो यात्रा है, अभी का जो इनका कार्य है, पापा उनको कंस्ट्रक्शन में डालना चाहते थे लेकिन कुछ और कंस्ट्रक्ट करने के लिए श्री एम अभी जो कार्य कर रहे हैं, तो ये प्रायश्चित है या विशेष उद्देश्य किया गया कार्य है? दोनों है। प्रायश्चित इसलिए कि हमारे ये जन्म में आने का कारण कुछ है, उसके बाद विशेष चिंता और विशेष प्लान मेरे लिए बनाया गया है। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत अभी भारत में है, तुम लोगों को ये समझाओ कि यहाँ जो हमारे पास ज्ञान है ये कोई डिस्क्रिमिनेट करने वाला ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान हमारे लोग ही भूल गए हैं यहाँ, इसको आप जाके रिमाइंड करो। लेकिन सही, मुझे यहाँ एक सवाल होता है, आप बता रहे हो कि ये ज्ञान, जैसे गुरु जी ने बताया कि ये ज्ञान सही है, प्रॉब्लम ये है कि इतनी स्पिरिचुअल हमारी डायनेस्टी के बाद भी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, हम समझ नहीं पाते, कॉमन मैन समझ नहीं पाता कि सही क्या है, श्री एम सही है या मिस्टर वाई सही है, मिस जेड सही है, इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस आज लोगों के सामने है। ये मेरे हिसाब से अगर देखने जाए ना ये, तो ही पूरा जीवन निकल जाए, समझने की बात ही अलग है। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल शब्द को लेके डोंट फील बैड, लेकिन इतनी सारी दुकानें और मॉल खुल गए कि पीपल आर कंफ्यूज्ड। मैं अच्छी तरह ये समझता हूँ, तो इसलिए हम कोई बिजनेस नहीं करते जब किसी और के ऊपर इशारा है। नहीं, हम कोई बिजनेस आप नहीं करते, यानी और कोई कर रहा है। मैं अपने बाबा जी का काम कर रहा हूँ। लोग कभी कभी कहते हैं आप हमारे यहाँ अपने आश्रम में, अभी हमारा सत्संग फाउंडेशन ट्रस्ट है, बोलिए कि यहाँ सोप बनाइए, यहाँ हेयर ऑयल बनाइए, ये सो आपका नाम लगाइए बड़ा। मैंने कहा भाई वो अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है, हमारा नहीं है। हमारा काम क्या है, मैं क्रिया लोगों को इनिशिएशन देता हूँ तो मैं चार्ज नहीं करता हूँ, सबको मालूम है, कोई नई चीज़ नहीं है। और मैं हर आदमी से कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, मेरे साथ मार्क्सिस्ट भी बड़े अच्छे गुण से ही रहते हैं, और राइट में तो मैं नागपुर बीच में जाता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, ये मेरा अनुभव है कि हर आदमी के अंदर परमात्मा का एक स्पार्क है, एक अंश है, बस हमको इतना इससे ही काम है और कुछ काम नहीं है। और इसको जगाना, अगर उसको सामने बढ़ाना, और यंगस्टर्स इसको भूल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आपने जैसा कहा ऐसे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अभी कॉलेज में यंगस्टर्स को मैं कभी कभी बात करता हूँ, IIT जाता हूँ, IIM का आज शाम को है प्रोग्राम IIM में, तो ये लोग यही सवाल पूछते हैं कि इतने लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं आत्मा का, तो क्या करें। मैंने कहा तो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मत जाइए, आप इंक्वायर कीजिए। हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ, भगवद गीता देखिए, अगर उसको उठाइए आप और अपना ऑटोमेटिकली आप उसको पढ़ने शुरू कीजिए और देखिए, आपको फ्रॉड में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई जेन्युइन मिल ही जाएगा कभी। गीता के बारे में एक बताऊं मैं आपको, ये सवाल मेरे मन में उठा, और अभी जो गुरुमूर्ति जी जो हम मिलना हुआ तो उनसे भी ये बात हुई। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया, युद्ध भूमि में खड़े होके दिया, अब एक 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 ऑप्शंस बताए गए। सवाल यह आता है कि 18वें अध्याय में ही क्यों उन्होंने बोला कि अर्जुन अभी आपको जो ठीक लगता है वो करो, पहले भी बता सकते थे ना। क्योंकि जब उनको जो ठीक लगता है 18 चैप्टर में, अध्याय में, वो पहले उनको जो ठीक लगा वो बराबर नहीं रहेगा, इसलिए नहीं बताया। अब कई लोग ये भी पूछते हैं, अब देखिए भगवद गीता में 18 अध्याय है, आपको पता है, मैं कभी कभी कहता हूँ ये बड़ी गोल्फ लिंक्स जो होती है ना, वैसे 18 होल होते हैं, 19वां होल तो होता है वाटरिंग होल, वो हमारे लिए नहीं है,
तो वैसा समझो कि एक एक होल से प्रोग्रेस करके ही 18 में जा सकते हो। जब 18 अध्याय में आप पहुँचोगे तभी माइंड मैच्योर होगा जब से आप सोच के कर सकते हैं ठीक से, तब तक की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा, 12 अध्याय में भक्ति योग है, पहले क्यों नहीं कहा गया? पहले ही कह दे कि भक्ति सबसे बड़ी चीज़ है 12 अध्याय में, क्योंकि उसको देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। भगवान कृष्ण ने जगत गुरु का रोल एक ही जगह में लिया, भगवद गीता कुरुक्षेत्र में, पहले कभी नहीं। वृंदावन में तो गोपियों के साथ, यहाँ तो काम को मारने के चक्कर में ये सब, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तभी उन्होंने जगत गुरु का रोल थोड़ी देर के लिए लिया। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि उनकी टीचिंग्स का एसेंस भगवद्गीता में है। आपका जो सवाल है ना, तो 18 में क्यों? क्योंकि 18 में ही अर्जुन अपने आप डिसीजन, करेक्ट डिसीजन, मैच्योरिटी तब ही आया है। okay. नहीं तो नहीं हो सकता, रॉन्ग डिसीजन ले लेते। एक सवाल ये भी आता है कि जितने रिलीजियस गुरुज हैं, वो रिलीजियस गुरु कैसे अच्छे या सक्सेस या तो बहुत ही ज्ञानी वो प्रूव होता है उनके साथ रखे गए फोटो के? प्रधानमंत्री जी का फोटो उनके साथ में, मेरे पास कोई बिजनेसमैन का फोटो है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु इतने ही ज्ञानी है तो क्या जरूरत है उनको बाजू में किसी और को रखने के लिए, रेफरेंस के लिए? देखिए ये भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, देखिए हमारे ऑडियंस में ये भी बैठे रहते हैं। मुझे लगता है श्री जी कि डिमांड और सप्लाई का रूल है ना, वो यहाँ पे कहीं ब्रेक कर रहे हो आप जैसे रिलीजियस गुरु। कैसे शांति की सबसे ज्यादा भूख या तो डिजायर ऐसे गरीब और आम जनता को है, जबकि वो लोग तो नहीं आते आपके पास इतने ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए। और वो जो बड़ी बड़ी BMW ऑडी कार लेके आगे वाली फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ टेंथ रो तक ऐसे बड़े बड़े लोग जो ब्लेजर वाले और कुर्ते में बैठ जाते हैं, सही में आपको नहीं लगता कि जरूरत इनसे ज्यादा उन लोगों को है जहां तक कम लोग पहुंचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको आपको थोड़ा कुछ समझाना चाहता हूं इसके बारे में। हमारे पास एक्चुअली ऑफिशियली इतने पिक्चर हैं लोगों के साथ बैठ करके, चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर अब के प्रेसिडेंट सब ऐसे। तो कलाम जी तो पहले ही हमारे दोस्त थे, वो बहुत सिंपल आदमी थे, त्रिवेंद्रम में वो SRO में काम कर रहे थे, तब से मैं जानता हूँ, फोटोज़ बहुत हैं। आप कभी हमारे आश्रम में या हमारे स्कूल में आके देखिए किसी का फोटो कहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। उनको अगर ज़रूरत पड़े तो हमसे बात कर लेंगे, हमारी क्या ज़रूरत है? हमारा तो है उनका और हमारा संबंध कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा, जब US जाता हूँ मैं तो लोग पूछते हैं कि आपका टॉक जो हो रहा है फ्रंट रो कितना चार्ज करते हो, मिडिल रो कितना चार्ज करते हो, बैक रो का क्या चार्ज है? जब मैं कहता हूँ उनको कि हमारे यहाँ चार्ज नहीं है तो सोचते हैं कि ये क्या पागल है, क्या ये कैसे गुरु है? चार्ज नहीं करते, ये कैसे हो सकता है? हाँ। तो ऐसा माहौल हो गया है, सच है, आप जो कह रहे हैं सच है। मैं तो ऑर्डिनरी कॉमन मैन के पास जाता हूँ, कैसे जाता हूँ? आपको याद, पता नहीं आपको याद रहेगा कि नहीं, 3.5 साल पहले मैं अहमदाबाद आया था, उसके बाद अभी आ रहा हूँ, चल के आया था, पदयात्रा हमारी हुई थी कन्याकुमारी से श्रीनगर। हाँ, इस यात्रा में मेनली हम किसको मिले? रोड में जो बैठा है, ऑटो चला रहा है, साइकिल चला रहा है, विलेज, छोटे छोटे विलेज जहाँ पॉपुलेशन 500, तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे उनके साथ एक कप चाय पिए और अपना चर्चा करें, ये हमारा काम है। मगर अब जो ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं तो उनको हम मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए, देखिए उनके लिए भी बड़ा स्ट्रेस है। हम समझते हैं कि ये बड़े BMW में आते हैं, ये बड़े खुश हैं, रात को नींद नहीं आती है, कभी कभी इसलिए भी आते हैं लोग, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। मगर आपने ठीक कहा, एक बार मुझे किसी ने कहा कि कोई आए हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, दिल्ली में, और अडवाणी जी वगैरह सब आके मिल रहे थे, तो ये यंग था, अभी भी पार्टी में है मगर तब बहुत यंग था, तो इसको बुलाए मीट करने के लिए। उन्होंने उनको पूछा ये क्या है,
बहुत लोग यहाँ खड़े हैं आपको मिलने के लिए, आप अडवाणी जी को, इनको उनको मिल रहे हैं और मुझे मिल रहे हैं, क्या इसका क्या मतलब है, वो लोग कैसे मिलेंगे आपको? मैंने उसको पूछा कि क्या क्या कहा उन्होंने, बोला वो कुछ नहीं कह रहे, बोले हरिओम। अभी बीजेपी में है लड़का, पता नहीं अब कहाँ जाएगा, रोल कर रहा है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल पिछले कई सालों से एक बात और निकली है कि हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों ने पूरे विश्व में अपना नाम, आप जैसे पिछले जन्म का भी अगर देख सकते हो, फ्यूचर को कैसे विजुलाइज करते हो हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान में इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब ठीक है, बट ओरिजिनल एक्चुअल रियल स्पिरिचुअल टीचिंग्स इसकी मदर है भारत, वो तो नहीं हो रहा है। कितने भी गुरु हैं मैं समझा, मगर एक्चुअली उसको होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ, ये शिवराज सिंह जी चौहान जो अभी चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने जब हम भोपाल पहुँचे पदयात्रा लेकर, अपने भाषण में एक बात कही मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी सब हो रही है, ठीक है, मैं परसों ही आया जापान जाके, वर्ल्ड में सबसे बड़ा पर कैपिटा इनकम वहाँ है, सुइसाइड भी वहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ये लेकेंगे, तो ये चीज़ है। इंडिया का फ्यूचर जो है वो वेस्ट को, स्वामी विवेकानंद ने पहले ही कहा कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो, वहाँ से सब ला सकते हो, मगर अपना जो स्टैंडर्ड, जो अपना एसेंस और कोर है, उसको नहीं भूलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में ये सीखने के लिए लोग यहाँ आएंगे। फाइन, माय ब्लंट क्वेश्चन टू यू, ब्लंट क्वेश्चन और ये लास्ट सवाल है, हिंदुस्तान की स्थिति बदलने के लिए कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रोल कर सकता है, इम्पोर्टेंट रोल कर सकता है, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस या रिलीजियस गुरुस? यूथ, ये दोनों नहीं, यूथ और रिलीजियस टीचर, मैंने स्पिरिचुअल टीचर्स, रिलीजन की बात छोड़िए, स्पिरिचुअल टीचर्स का ड्यूटी है कि यंगस्टर्स के मन में, हृदय में ये ऐसा बीज बोएं जैसा कि उनको अपनी कंट्री भी प्राउड रहेंगे और ग्लोबल आउटलुक रहेगा, ये स्पिरिचुअल टीचर के हाथ में है। पॉलिटिशियन, अब पॉलिटिशियन को हम बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में इतना पावर है, अगर उनका माइंड थोड़ा बदल जाए तो बहुत कुछ कर सकते, मगर फ्यूचर, भविष्य जो भारत का है, भारत का नहीं सारे संसार का, विश्व का, तो वो ये यंगस्टर्स के अंदर है, तो उनको जैसा एजुकेशन, आज का एजुकेशन कमर्शियल एजुकेशन है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, उसको थोड़ा सा एजुकेट करके ठीक करेंगे और ये बीज उनके मन में बो देंगे, तो कल फ्यूचर अश्योर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे हिसाब से दिस इज़ द मैसेज जो मैं आपका आपसे कहना चाहता था, मेरे हिसाब से यही मैसेज आपका जो हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, या तो और कोई स्पेशल मैसेज है जो आप बताना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहूँगा कि सिंसियरिटी और ट्रूथफुलनेस बड़ी चीज़ है, इसमें हम स्टिक ऑन करके रहना चाहिए, आज का माहौल ऐसा नहीं है, फिर भी हम इसको नहीं छोड़ें, बस इतना। थैंक यू वेरी मच। दर्शक मित्रों, आ वात हती श्री एम साथेनी। मैं पहला ज कीधुं ते प्रमाणे अमुक व्यक्तिओ एवा होय छे कि जे लोको पोतानी पासे रहेली वातने एक अलग अंदाजथी मूके छे, ते लोको आवनारा दिवसोनुं जोईने पण पोताना प्रयत्नो करे छे, कारण के फक्त वातो करवी, एसी पंडालमां बेसीने प्रवचन करवुं, सलाह आपवी, उपदेश आपवो तेवुं नहीं, परंतु एमने जे वात करी के सतत यात्रा तेमणे करी, कन्याकुमारीथी लईने કાશ્મીર સુધીની યાત્રા કરી, છેવાડાના લોકો સુધીને મળ્યા, સેલિબ્રિટીઝ પણ મળે છે એમને, પરંતુ એને એટલું ગૌર નથી આપતા, નીચેથી ઉપર જઈને, અને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ યોગી જેમણે લખી, એક યોગીની પોતાની આખી માનસિકતા કેવી હોય છે અને તેની આત્મકથા, મને લાગે છે કે અનેકો વાત કરી શકાય શ્રી એમ સાથે, આશા રાખે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે પણ આવે ત્યારે અધૂરી રહેલી વાતો, ઘણી બધી વાતો આપણે તેમની સાથે કરીશું। फरी मिलीशू नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथ, त्यां सुधी आपसे नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन। थैंक यू सर।